हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई सबके। होपफुली सब बढ़िया होंगे। तो यार आज है मंडे और सुबह सुबह निकल चुके हम वापस मोहाली के लिए, और ठंड हो चुकी है बट अभी इतनी नहीं लग रही। मैंने जो है घर से जब निकला था तो हुडी वगैरह डाल रखी थी, अभी फ़िलहाल के लिए मैंने उतार दिया। अभी नॉर्मल टी शर्ट हूँ, लेकिन फिर भी हल्की हल्की ठंड है, ज़्यादा कुछ नहीं। मज़ा आ रहा है बाकी राइड करने में। लास्ट वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस रहा यार, जिस हिसाब की अभी हमारे पास ऑडियंस है उस हिसाब से काफ़ी बढ़िया रिस्पांस था। तो दिल से शुक्रिया आप सभी लोगों को, और एंजॉय करते हुए जा रहा हूँ अभी मैं अपना वापस मोहाली के लिए। शाम को ऑफिस भी जाना है, और यार फिलहाल एक्साइटमेंट इस चीज़ की है कि जो हमने गैजेट्स ऑर्डर करे थे ना वो पहुंच चुके हैं। कल सुबह रिसीव कर लिए थे सुनील ने, तो मेरे को तो बड़ी एक्साइटमेंट थी यार मैं जल्दी जाऊँ और अनबॉक्स करूँ। उसने अनबॉक्स नहीं करे, उसने बोला भाई आप खुद करना और थोड़ा अपनी ऑडियंस को भी दिखाना। मैं अगर उसकी जगह होता मैं कल ही अनबॉक्स कर लेता। बाकी चलो फिलहाल के लिए जल्दी जल्दी पहुँचते हैं और अपना अनबॉक्स वगैरह करते हैं, फिर आपको बताते हैं। वैसे आप तब तक गैस करो कि मैंने क्या ऐसा ऐड करा होगा जो मुझे लगा होगा कि यार मुझे जिस चीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है फ़िलहाल के लिए, तो मुझे आप लोग बताना। बाकी अभी मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, ठीक है। अब देखूँगा कि मैं सोलो करूँगा। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मेरा मन है मैं सोलो ट्रैवल करूँ, लेकिन ग्रुप राइड में ज़्यादा मज़ा आता है, बट मेरे को सोलो का एक्सपीरियंस नहीं है फिलहाल के लिए। एक चीज़ ये भी है कि अभी जैसे अपने ग्रुप में जैसे साहिल अभी वो बिज़ी है, ठीक है, वो भी बिज़ी चल रहा है। अभी वो राइड करके, राइड तो नहीं लेकिन वो टूर करके आया, अभी वो स्पीति करके आ गया अकेले अकेले दो लोगों के साथ और दो दोस्त और थे अपने। बाकी जस्सू के बाइक का थोड़ा बहुत इशू है, तो फिर हम अच्छे से जो है कोई ट्रैवल प्लान नहीं कर पा रहे कि हम दो तीन दिन या चार पाँच दिन के लिए कोई लंबा सा ट्रैवल कर सकें बाइक पे। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि क्यों ना सोलो करा जाए और एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। जो चीज़ दिल में है, जो एक फियर सा है ना अकेले निकलने का, कहीं भी निकल जाओ ट्रैवल के लिए, वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ट्रैवलर के अंदर ऐसा कोई फियर होना नहीं चाहिए। तो मैं ख़त्म करना चाहता हूँ उसको। बाकी आप लोग बताओ आप लोग क्या बोलते हो। पहले मैंने सोच लिया था कि मैं स्पीति भी अकेले कर लूँगा, फिर उसने कहा कि नहीं रोड काफ़ी ख़राब है और अभी आगे आगे मौसम भी ख़राब होने वाला है, तो स्पीति तो भूल जाओ, स्पीति तो मत ही करो अकेले। तो स्पीति का मैंने कैंसिल कर दिया, अब देखते हैं कहीं और का प्लान करता हूँ। बाकी आप लोग भी बता सकते हो अगर आपके माइंड में कोई चीज़ है या आप कोई सजेशन देना चाहते हो कि यार इस एक जगह को एक्सप्लोर करना चाहिए आपको जो मेरे लिए भी नहीं हो, ठीक है, तो बताना आप लोग। बाकी अभी यहाँ से जो है मुझे मोहाली रह गया लगभग 30 किलोमीटर, हाँ इतना ही रहा होगा। और कोशिश करो हमेशा जो ओवरटेक है वो इस साइड से लो, राइट साइड से, क्योंकि आप ड्राइवर के भी नज़रों में रहते हो, मतलब ज़्यादा नहीं तो 70% उसकी नॉलेज के अंदर रहते हो कि यार कोई ओवरटेक कर रहा है, हॉर्न वगैरह करके भी बता दोगे। परली वाली साइड से उसके लिए थोड़ा वो मुश्किल रहता है कई बार आइडेंटिफाई करना, खासकर जब आप बाइक पे हो। और एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा सेफ्टी के लिए, जब भी आपको ये जो फास्ट लेन होती है, ये जो लेन होती है ये फास्ट लेन होती है, तो बाइकर्स हमेशा जो है इस एक लेन को ओवरटेकिंग के लिए यूज़ करें, बाकी हट के वापस आप इस लेन में वापस आ जाओ हाईवेज़ के ऊपर खासकर, क्योंकि हाईवेज़ पे होता है क्या है गाड़ियाँ जो है वो काफ़ी स्पीड से आती हैं, तो इस लेन को आप जितना हो सकता है ना कम यूज़ करो, सिर्फ और सिर्फ ओवरटेक के लिए यूज़ करो और उसके बाद चुपचाप अपनी लेन में वापस आ जाओ इस लेन में, ठीक है। एक चीज़ ये भी है कि जो किस्मत में होना है फिर वो तो होके रहना है, लेकिन ये भी हमारे हाथ में है कि हम अपने आप को कितना सेफ रख सकते हैं। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि हम एक सेफ राइड करें, ठीक है, जिससे लोगों को भी दिक्कत ना हो और हमें भी दिक्कत ना हो आगे चल के, और हम लोगों को गलत मैसेज ना दें। चल फाइनली अभी मैं पहुँच चुका हूँ मोहाली, तो जैसे जैसे नज़दीक पहुँच रहे हैं ना एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है कि कब जैसे रूम पे पहुँचे और जाते ही अनबॉक्स करें। आप लोगों को भी होता है क्या ऐसा, जब कोई नई चीज़ ली होती है और आप उसको दूसरे दो तीन दिन का वेट करना पड़ रहा है, आपके पास वो चीज़ होते हुए भी पहुंच गई आपके पास, लेकिन फिर भी आपको जो है वेट करना पड़ रहा है उस एक चीज़ के लिए, तो भाई अपने का तो है फिलहाल के लिए, मैं वो वाली फीलिंग समझ सकता हूँ। यार शाम को ऑफिस भी जाना है तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा,
अभी जो है 11:30 हो रहे हैं, तो मैं बस पहुंचने वाला हूं। तो अब ऐसा है कि मैं आपको ना रूम पे जाके मिलता हूं और अनबॉक्स करते हैं। तो चलो सर, अनबॉक्स करते हैं फाइनली। आपके भाई ने मेहनत करके Insta360 भी ले लिया है। एक और गैजेट हमने ऐड ऑन कर लिया अपनी कलेक्शन के अंदर, जिसकी काफ़ी ज़रूरत है वैसे। तो फिलहाल के लिए इसको अनबॉक्स करते हैं और एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। चलो तो इसको अनरैप करते हैं। फाइनली इसको बाद में बूट करते हैं, पहले देखते हैं इसमें एक्सेसरीज क्या क्या हैं। और सबसे पहले इसमें देखते हैं इसमें क्या है। साथ में ये बॉक्स है, तो इसके अंदर हमें जो है एक हमारे पास केबल है जो कि Type-C to Type-C होगी, और साथ में एक कवर है इसका Insta360 कैमरा का, और कुछ मैनुअल्स। ये पता नहीं क्या है यार, पर इसको देखते हैं क्या है ये। अरे भाई खुल जा। ओके, तो ये इसको ये क्लीन करने के लिए क्लोथ है साथ में, और ये कुछ मैनुअल्स वगैरह हैं, और ये हमारे पास Insta360 के स्टिकर्स हैं जो कि आप अपनी गाड़ी या कहीं पे लैपी वगैरह पे भी यूज़ कर सकते हो। तो यार इसका एक बार मैं ओवरलुक दे देता हूँ आपको। इसके यहाँ पे पावर बटन है, एक और साथ में बटन है जिसका मेरे को पता नहीं है क्या है, तो बाद में देखते हैं। और साइड में यहाँ से बैटरी वगैरह रिमूव होती है, और यहाँ पे चार्जिंग के लिए Type-C, ठीक है। तो बाकी ओवरऑल लुक अगर मैं आपको बताऊँ, इस पर चढ़ा लेते हैं वाले भाई। चढ़ जा मेरे भाई, अरे मत परेशान कर भाई, लगी नहीं ना। ओके डन। तो एक बार इसका ओवरलुक आपको बता देता हूँ। ये दोनों साइड पे कैमरा लगा हुआ है इस पर, जो कि 360 एंगल क्रिएट करते हैं, और यहाँ नीचे से आप इसको माउंट कर सकते हो। और ये आई थिंक इसका मेन्यू भी आ रखा है, तो इसको एक बार बूट कर लेते हैं। तो ये बूट हो चुका है। तो यार फिलहाल के लिए इस एक वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इसका सेटअप मैं कर लेता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, बिकॉज इसको अभी यूज़ में तो लेते रहेंगे हम। तो फिलहाल के लिए इस एक वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के अंदर। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो वेरी मच। कमेंट करके जाना, बाय। ये तो बताना भूल गया, नेक्स्ट वीडियो में एक और अनबॉक्सिंग, तो बताना क्या हो सकता है। बाय बाय। I'm the one that she wanted, and if I'm really being